दोस्तों, चीता धरती पर मौजूद सभी जानवरों में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। यदि आपने चीते को दौड़ते हुए देखा होगा तो उसकी रफ्तार को देखकर दंग रह गए होंगे। चीता 0 से 60 माइल प्रति घंटे की रफ्तार मात्र 3 सेकंड में अचीव कर लेता है, और इसी वजह से चीते को धरती पर मौजूद सबसे तेज जानवर कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कुदरत ने इसके शरीर में ऐसे कौन से कमाल किए हैं कि इसकी बराबरी करना किसी दूसरे जानवर के बस की बात नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इस समय पूरी पृथ्वी पर मात्र 7100 चीते बचे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर चीते तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। आज से करीब 70 साल पहले ही भारत में चीते को विलुप्त प्राणी घोषित किया जा चुका है। चीता साधारणतः अपनी रफ्तार का इस्तेमाल छोटे छोटे तेज दौड़ने वाले जानवर जैसे इम्पाला और खरगोश आदि का शिकार करने के लिए करता है। इसकी तेज रफ्तार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह कभी कभी तो आसमान में उड़ने वाले परिंदों को भी अपना शिकार आसानी से बना लेता है। चीता फुर्तीला होने के साथ साथ बेहद ही शातिर होता है। यह अपने शिकार के करीब कब पहुंच जाता है, इसकी शिकार को भनक तक नहीं लगती, और मौका देखकर अचानक बिजली की रफ्तार से अपने शिकार पर टूट पड़ता है। इसकी रफ्तार इसे कुदरती दुनिया में सबसे खास बनाती है। इस सुंदर दुबले पतले और आकर्षक जानवर के शारीरिक संरचना ऐसी होती है कि वे जब चाहे अपनी रफ्तार को घटा या बढ़ा सकता है। इसका हल्का शरीर रफ्तार पकड़ने में बहुत ही मदद करता है। इसके अलावा छोटा सिर, लंबे लंबे पैर और लचीली रीढ़ की हड्डी इन्हें सबसे अलग बनाती है, जिसकी मदद से ये लंबी छलांग मार सकते हैं। हर छलांग के दौरान अपनी रीढ़ की हड्डी का उपयोग करते हैं, और ऐसा करने से इनकी हर छलांग के साथ इनकी स्पीड बढ़ती जाती है। शिकार के दौरान ये इतने ज्यादा ध्यानमग्न हो जाते हैं कि इनकी गर्दन बाहर की ओर निकली होती है। आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि चीता जब 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शिकार का पीछा करता है तो उसके पूरे शरीर में हरकत होने के बावजूद उसका सिर पूरी तरह स्थिर रहता है। चीता दौड़ते वक्त दूसरे जानवरों की तरह अपने पंजों को पूरा नहीं खोलता, ताकि यह हमेशा जमीन को पावरफुल प्रेस देने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। चीता भले ही बहुत तेज दौड़ता है, लेकिन चीते की शारीरिक बनावट की वजह से यह अन्य बिल्ली प्रजातियों के जानवरों की तरह ताकतवर नहीं होते, और इसलिए हमेशा शिकार के लिए छोटे जानवरों का ही चयन करते हैं। चीता जब एक बार शिकार का पीछा करना शुरू कर देता है तो उसके लिए करो या भूखे मरो की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि चीता जब अपनी फुल स्पीड से दौड़ता है तो उसके बेहद ही छोटे सिर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और एक बार दौड़कर दोबारा दौड़ने के लिए उसे 1 घंटे से ज्यादा वक्त का रेस्ट करना पड़ता है, वरना उसकी छोटी सी खोपड़ी की नसें प्रेशर की वजह से फट सकती है, और 1 घंटे आराम करने के कारण शिकार उसकी नजर से बहुत दूर चला जाता है, जिस वजह से उसे भूखा ही रहना पड़ता है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।